Hey guys, welcome back to my channel Lawba. So we are going to start with our new topic. Hi guys, so we are going to study about fact and issue. Fact and issue are basically those facts which are in some kind of contradiction. For example, there is no connection between the facts or the statement which are given by two different parties. In this, this there is a duty in which the parties have to establish right, duty, liability or obligation okay so for example just say a is saying that b have done the murder of c in this case b have to prove that whether he have done murder of c or not so here it's his right his duty his liability and an obligation to prove that he is not the culprit or he is not the person who have done the murder of c okay so now मैटर विच आर affirmed by वन पार्टी टू सूट एंड डिनाइड बाय the अदर may बी denominated as fact in issue जब एक पार्टी डिनाई करती है एक पार्टी एक्सेप्ट करती है उन फैक्ट्स को हम बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू क्योंकि मेरी फैक्ट्स इन इशू में आ गया क्योंकि दोनों पार्टी जो है वो अलग अलग बात बोल रही है अब किसके बात को हम सही मानेंगे ये तो एक इशू है दैट्स वे दे आर फैक्ट इन इशू वेरी सिंपल नाउ जो फैक्ट इन इशू है ये एक काइंड ऑफ सबस्टैंडिव लॉ है इसका कोई बेसिकली प्रोसीजर नहीं है पर इसको प्रूव करने का प्रोसीजर है सो इट इज़ अ सब्सटैंडिव लॉ विच कैन बी प्रूव्ड बाय द ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर या तो वो सिविल से हो सकता है या क्रिमिनल से ओके सो नाउ वी विल मूव टू प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच फैक्ट्स एंड इशू आर डिफाइंड सो दिज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन थ्री सब सेक्शन फाइव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इन विच फॉर क्रिमिनल इज सेक्शन थ्री सब सेक्शन फाइव क्लॉज वन चार्जेस व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस दे आर इन क्रिमिनल केसेस व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेमिंग ऑफ इशू सिविल केसेस तो हम चार्जेस जो है वो कब लगाते हैं क्रिमिनल केसेस में लगाते हैं और इश्यूज कब फ्रेम करते हैं जब सिविल केसेस में आता तो है तो एक स्मॉल डिफरेंस है सिविल और क्रिमिनल का जो एज अ एडवोकेट एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए सो नेक्स्ट दे आर दोज फैक्ट्स विच आर इन क्वेश्चन और दोज फैक्ट विच नीड टू बी प्रूवड कोई भी ऐसा फैक्ट जो क्वेश्चन में है या जिसको हमें प्रूव करना है वो क्या है आपके फैक्ट्स इन इशू इस पर्पस के लिए कि असर्टेन करना है हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो एक इन्फेरेंस बनाते हों किसके जस्टिस को ऑप्टेन करने के लिए ओके फॉर द पर्पज़ ऑफ असरटेनिंग सम इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इन्फेरेंसिस आउट ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द केस ऑफ ऑप्टेनिंग जस्टिस जब आप किसी केस में जस्टिस के लिए ट्राई कर रहे हो आप आपको जस्टिस इन द एंड ऑफ द डे किसी भी केस में आपको जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ता है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये जो इश्यूज लग फ्रेम होते हैं या जो चार्जेस लगते हैं इनका एक करेक्ट आंसर मिलना बहुत जरूरी है वो आंसर तब मिलता है सारे फैक्ट्स जो रेलेवेंट हैं और फैक्ट्स जो इश्यूज में हैं उनके बीच में कनेक्शन ड्रॉ किया जाए ठीक है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले तब वो क्या बनते तुम्हारे एक करेक्ट फैक्ट्स बनते जिससे आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो जस्टिस सो नाउ फ्यू इलस्ट्रेशंस ऑफ फैक्ट्स इन इशू सो देखते हैं ए इज द ओनर ऑफ अ शॉप ये एक फैक्ट है कि ए जो है वो ओनर है एक पर्टिकुलर शॉप का A is accused of robbery. Now, whether A have committed robbery or not is fact in issue. Fact ये है कि A जो है owner है एक particular shop का ये सबको पता है अब ये बोल रहे कि A जो है उसने क्या किया है उसने commit किया है robbery. अब ये क्या fact in issue है क्योंकि आपको नहीं पता A ने सही में कोई robbery की है कि नहीं की है तो that is a fact in issue. Second, A is accused of murder of B. In his trial, the following facts may uh, may at be issue that A caused B's death, A intended to cause B's death. दो वॉर्ड A ki सोचता था कि वो B को मार डाले और A ने B को मार डाला ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई आपने उसको धमकी दिया कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा अब अगले दिन उसका मर्डर हो जाता है आपका इंटेंट था दैट यू विल मर्डर दैट पर्सन बट डज दैट इंटेंट मीन्स की यू हैव कॉज्ड द मर्डर सो दैट इज़ वेयर फैक्ट्स एन इश्यू अराइव सो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू रेलीवेंट फैक्ट्स